स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी फिर से चर्चा होने वाली है संयुक्त राष्ट्र के कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में जो बच चुकी है। ठीक है, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। और आने वाली क्लास में मैं आपके साथ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली जो यूएन की स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। डिस्कशन की शुरुआत हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के साथ की थी, जहां पे हम लोगों ने मेन बॉडीज की चर्चा की थी। आप यहां पे देख सकते हो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आईसीजे, और मैंने आपको बताया था सेक्रेटेरिएट के बारे में भी। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट है, केवल एक बॉडी है संयुक्त राष्ट्र की, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो मेन बॉडी है वो आपको न्यूयॉर्क नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी हेग द नेदरलैंड में, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र सिस्टम के बारे में देखा था, यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जहाँ पे यूएन फंड्स एंड प्रोग्राम्स है, यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। और आज हम लोग कुछ बची हुई स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में बात करेंगे, और इन द नेक्स्ट अपकमिंग डिस्कशन विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। दो इंस्टीट्यूशन है, IMF और वर्ल्ड बैंक। लेकिन आज हम लोग स्पेशलाइज एजेंसीज लाइक विपो के बारे में चर्चा करें। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं विपो से, WIPO। देखिए, एस्पिरेंट्स के साथ सबसे पहले एक कन्फ्यूजन जरूर हो सकती है। एक है बॉडी विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और आपने ज़रूर WTO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको एक अग्रीमेंट मिलता है, ट्रिप्स अग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अग्रीमेंट मिलता है। ये हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। WTO और विपो भी काफ़ी क्लोजली काम करते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है WTO इज़ नॉट अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए सभी देश साथ में आते हैं, अलग अलग अग्रीमेंट्स की गई है यहाँ पे। लेकिन विपो एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी पुरानी है। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। और अगले हमारे डिस्कशन में ज़रूर हम लोग WTO जब भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ट्रिप्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। राइट, चलिए बात करते हैं विपो के बारे में। सबसे पहली चीज़ रिमेंबर, विपो इज़ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी, WTO इज़ नॉट यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो सिंपल सा सवाल बन सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में विपो के बारे में आपको दिया गया है, दूसरे स्टेटमेंट में WTO को दिया गया है, तो दोनों को आप फिल्टर आउट करना समझ लीजिएगा। ठीक है, विपो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, जब भी आप कोई नई चीज़ बनाएं, कोई समझ लीजिए इन्वेंटर है, मैंने एक नई चीज़ बना ली है, मैं चाहता हूँ कि जो नई चीज़ है उसका फ़ायदा मुझे मिले। ऑफकोर्स जो, क्योंकि मैंने इन्वेंट किया है तो मुझे थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सोसाइटी को भी मदद मिले। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यही करता है कि अगर किसी ने कुछ इन्वेंशन किया है, अगर किसी ने कोई ट्रेडमार्क बनवाया है, अगर किसी ने कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन डेवलप किया है, तो उन्हें अलग अलग पेटेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई लिटरेरी आर्ट के, जैसे कि आपकी कोई फिल्म है, आपका कोई गाना है, आपकी कोई किताब है, तो उसको कोई कॉपी ना करे। राइट, फॉर एग्जांपल अभी जो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट, ये वीडियो YouTube पे आएगा, तो YouTube पे अगर किसी ने यही वीडियो या फिर यही क्लास, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास है जहाँ पे विपो के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये किसी ने डाउनलोड किया, आप आजकल आप YouTube से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो, और आपने इसका इस्तेमाल किया टू होस्ट ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म, इट इज़ द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। राइट, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉट जस्ट इंडस्ट्री रिलेटेड, आपको ध्यान रखना है, इंडस्ट्री रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो प्रोटेक्ट करते ही करते हैं, लेकिन लिटररी जैसे कि म्यूजिक हो गया, फोटोग्राफ हो गया, कुछ वीडियोज हो गए, या फिर आपकी किताब हो गई, तो इसको भी प्रोटेक्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग कॉपीराइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय प्रोवाइडिंग कॉपीराइट्स, बाय प्रोवाइडिंग पेटेंट्स, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस और ट्रेड सीक्रेट्स। राइट, तो इन सभी को प्रोटेक्ट करता है विपो। अब ये विपो आया कब था और इसकी क्या हिस्ट्री रही है, इसके कितने मेंबर्स हैं? देखिए, विपो एक ग्लोबल फोरम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए।
193 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया दूसरे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो ट्रेड को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेंबर स्टेट्स भी हैं और दूसरे ऑब्जर्वर स्टेट्स भी या फिर ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं यहाँ, जैसे कि एनजीओस, आईजीओस और ऑल्सो ऑब्जर्वर्स, मोर देन 250 इंस्टीट्यूशंस, आईजीओस, एनजीओस आर ऑब्जर्वर। कब शुरुआत हुई थी विपो की, आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस आया 1945 में, इमीडिएटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया। क्यों? इससे पहले एक हिस्ट्री है उसकी, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि हम लोग कुछ कन्वेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि हमें विपो की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। 1945 में यूनाइटेड नेशंस आया, लेकिन विपो आया 1961 में थ्रू द विपो कन्वेंशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन। इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसका जो प्रेडेसेसर है उसका नाम है बिप्री, राइट, यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो विपो इतना लेट किया हुआ है क्योंकि इससे पहले एक बॉडी थी बाय नेम ऑफ बिप्री, BIPRI, यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे जरूर। अब जब से विपो आया है 1967 तो ये लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे तीन मेजर बॉडीज है, फिर कॉन्फ्रेंस होती है। एक है विपो जनरल असेंबली, विपो की कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी थी वो छोटी कमेटी है, और विपो कॉन्फ्रेंस चलता है। इसके अलावा विपो का सेक्रेटेरिएट मैंने आपको बताया था जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और ट्रेडिशनली जनरल असेंबली में सभी के सभी मेंबर्स मिलते हैं, सभी के सभी मेंबर्स प्लस ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पे मिलेंगे और विपो की जनरल पॉलिसी, जनरल डायरेक्शन बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी एक छोटी बॉडी है, राइट, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ या फिर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेती है इनकी। और विपो कॉन्फ्रेंस होती है, विपो कॉन्फ्रेंस नॉर्मली एनुअल भी होती है, कई बार मिस हो चुकी है, एनुअली या बाय एनुअली चलती है विपो कॉन्फ्रेंस। और ट्रेडिशनली द असेंबली एंड द कोऑर्डिनेशन कमेटी दे मीट ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर एवरी ईयर, एक्स्ट्रॉर्डनरी सेशंस भी हो सकते हैं जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने हैं, कोई कन्वेंशन लाना है, कोई ट्रीटी लानी है, कोई प्रोटोकॉल लाना है, तो ये यहाँ पे डिस्कशन चलती है इसके, और इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ये ट्रीटीज और कन्वेंशंस आती है, राइट। तो ये थी इन्फॉर्मेशन विपो के बारे में, विपो की कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, विपो का कुछ हिस्ट्री रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज के बारे में, विपो में एक पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है, PCT, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखना है आपको, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैंने एक चीज़ इन्वेंट कर दी, अब मुझे पेटेंट चाहिए, अब मेरा पेटेंट चाहिए तो मैं इंडियन पेटेंट ऑफिस में चला जाऊंगा, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं बोलूंगा कि इंडिया में ये पेटेंट मुझे चाहिए, तो मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे पेटेंट दे भी दिया पेटेंट ऑफिस ने, लेकिन वो पेटेंट इट ओनली अप्लाइज इन इंडिया, राइट, इंडिया में तो मुझे पेटेंट मिल गया। अब समझ लीजिए कि मेरा प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, वहाँ पर भी मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मुझे भेजना है, तो USA भी मुझे पेटेंट चाहिए, अब US तो भेज दिया, यूरोपियन यूनियन में भी चाहिए, यूरोपियन यूनियन में तो कई सारे देश है, तो क्या मैं इंडिविजुअली हर एक कंट्री में अप्लाई करता जाऊँ उनके नेशनल ऑफिस में फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन? और आप जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्टेड बाय द डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, यानी कि जिस किसी देश में उनका डोमेस्टिक लेजिस्लेशन आया हुआ है, जैसे हमारा इंडियन पेटेंट्स एक्ट है 1970 का, कंप्लीटली कंप्लायंट विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके तहत किसी को भी पेटेंट चाहिए भारत में तो उन्हें इंडियन पेटेंट ऑफिस में अप्लाई करना होता है। लेकिन समझ लीजिए मुझे एक पेटेंट चाहिए मल्टीपल कंट्रीज में, तो मैं कैसे करूं? ये हो सकता है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के थ्रू। विपो ने पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी लाई है जिसमें इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टनर, राइट, इंडिया ने इसको एक्सीड किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर मुझे मल्टीपल नेशंस में पेटेंट चाहिए तो इंटरनेशनल पेटेंट के लिए मैं एप्लीकेशन दे सकता हूँ एट द विपो, हमारे नेशनल पेटेंट ऑफिस में भी इसकी अवेलेबिलिटी होगी, यानी कि मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं अलग अलग जगह पर जाके अलग अलग एक पेटेंट के लिए अप्लाई करूँ। आई कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर एन इंटरनेशनल पेटेंट जो भी विपो की कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से, यानी कि पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी को जिस किसी ने भी एक्सेप्ट किया है, जिस किसी ने भी रेटिफाई किया है, तो दैट बिकम्स द PCT कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, यानी कि इंटरनेशनल पेटेंट ऑफ द विपो इट अप्लाइज इन दैट कंट्री ऑल्सो। तो ये होता है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के थ्रू, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है विपो की, WIPO की। इसके अलावा इनके कुछ हिस्टोरिकल कन्वेंशन रहे, जैसे कि पेरिस कन्वेंशन।
पेरिस कन्वेंशन आया था 1883 में। पेरिस कन्वेंशन में मेनली यूरोपियन कंट्रीज आई थे साथ में, जहाँ पे इन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ प्रोविजंस लाने चाहिए, कुछ ऑफिस लाना चाहिए जहाँ पे पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क्स हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ सेटअप लाने की ज़रूरत है, कुछ स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है। और इवेंचुअली पेरिस कन्वेंशन के अंडर इन्होंने एक ब्यूरो बनाया जहाँ पे अगर कोई इन्वेंशन कर रहा है यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको पेटेंट मिल सकता है, ट्रेडमार्क मिल सकता है, ताकि ताकि डेवलपमेंट हो, यानी कि ताकि प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट हो, इनोवेशन की डेवलपमेंट हो। इसलिए इनफैक्ट पेरिस कन्वेंशन 1883 का है, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट अग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटेलेक्चुअल वर्क्स इन अदर कंट्री। यानी कि एक देश में तो है, अलग अलग देशों में जो भी पेरिस कन्वेंशन के भाग बनेंगे, पेटेंट मिलेगा तो वहां पे प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट। पेरिस कन्वेंशन 1883 का। इसके अलावा कुछ ही सालों बाद बर्न कन्वेंशन आया, राइट। बर्न स्विट्जरलैंड में है, बर्न। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं हमेशा जिनीवा स्विट्जरलैंड बता रहा हूं, तो डू लेट मी नो, इज जिनीवा द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड? लेट मी नो अबाउट दैट, थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे बताइए, ठीक है। अब बर्न कन्वेंशन क्या है, 1886 में अडॉप्ट हुआ, जैसे पेरिस कन्वेंशन है फॉर इंडस्ट्रियल पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स एटसेट्रा, वैसे ही बर्न कन्वेंशन आया 3 सालों बाद, जहाँ पे कॉपीराइट की प्रोटेक्शन मिली। कॉपीराइट मतलब जो भी आर्टिस्टिक या फिर लिटररी वर्क है, जैसे कि कोई गाना है, म्यूजिक है, फोटोग्राफ है, वीडियो है एटसेट्रा, इन्हें प्रोटेक्शन मिले, तो इसके लिए बर्न कन्वेंशन में रूल्स आए। तो पेरिस कन्वेंशन ने अपना खुद का एक ब्यूरो बनाया हुआ था, बर्न कन्वेंशन ने भी अपना खुद का एक ब्यूरो बनाया 1886 में, तो दो ब्यूरो अलग अलग थे। इवेंचुअली 1893 में ये दोनों ब्यूरो मिलके बने बिप्री, यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो बिप्री आया। और बिप्री के अंडर ही 1893 से लेकर मैं कहूँगा 1967 तक, बिप्री के अंडर ही अगर किसी को पेटेंट चाहिए होता है, इंटरनेशनल पेटेंट चाहिए, तो अंडर बिप्री इटसेल्फ दे यूज टू अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे जो ब्यूरो बना था इट वाज देयर फॉर इंडस्ट्रियल पेटेंट्स एज वेल एज लिटररी वर्क। इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस आने के बाद बिप्री अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विपो इन 1967। तो इसलिए मैंने आपको बताया था प्रेडिसेसर विपो का कौन सा है, BIPRI, राइट। इट्स दी एक्रोनिम, ये नाम दिया गया, फेमसली नोन एज बिप्री, बट इट इज कॉल्ड यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। फ्रेंच नेम से इसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बताई, राइट। तो हम लोगों ने बात की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज के बारे में, एक और ट्रीटी के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू विपो, राइट। कुछ सालों पहले विपो के अंडर द एजेस ऑफ विपो मैराकेश ट्रीटी आया था। मैराकेश कहा था, मैराकेश इज इन मोरक्को, राइट। तो मैराकेश ट्रीटी आया था, मैराकेश ट्रीटी को इंडिया ने सबसे पहले साइन किया था, सबसे पहले एक्सीड किया था मैराकेश ट्रीटी को। तो कभी कभार सवाल बन सकते हैं, मैराकेश ट्रीटी किस चीज़ से कनेक्टेड है, या फिर आपको कनेक्टिंग सवाल आ सकते हैं, जैसे कि इस तरफ आपको ट्रीटी का नाम आ जाए, कन्वेंशन का नाम आ जाए, लिस्ट ए में, लिस्ट बी में आपको इसका इंटेंशन क्या है, जैसे कि मैराकेश ट्रीटी हो गया, या फिर आपको पेरिस कन्वेंशन हो गया, बर्न कन्वेंशन हो गया, इसका इंटेंशन क्या है और कितने पेयर करेक्ट है। हाल ही में 2022 में हम लोगों ने सवाल देखे, वन मैचिंग पेयर, टू मैचिंग पेयर, थ्री मैचिंग पेयर, फोर मैचिंग पेयर, इस तरह के भी सवाल आ चुके थे। तो मैराकेश ट्रीटी बहुत ही ज़रूरी ट्रीटी है, विपो के अंडर ही फाइनलाइज हुई 2014 में। दिस ट्रीटी एम्स टू फैसिलिटेट पब्लिश्ड वर्क। अब समझिए कोई किताब है, ब्लाइंड पर्सन वो किताब कैसे पढ़ेगा, इसी को फैसिलिटेट करने के लिए मैराकेश ट्रीटी को लाया था। विजुअली इम्पेयर्ड जो भी है, ब्लाइंड पर्सन हो, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हो, या फिर प्रिंट डिजेबल्ड पर्सन हो, तो उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए उन्हें उस चीज़ का एक्सेस मिले, जैसे कि कोई किताब है, कोई चीज़ है, तो उसकी एक्सेस मिलने के लिए ये ट्रीटी आई। इस ट्रीटी को जो भी एक्सीड करेगा अपने देश में, उन्हें कुछ इस तरह के लॉ, इस तरह के प्रावधान, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे कि जो भी किताबें रहेंगी, लिटररी वर्क्स रहेंगे, बुक्स हो एटसेट्रा, तो उसकी कन्वर्शन होनी चाहिए इन ब्रेल। ब्रेल मतलब ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ने के लिए, जैसे आप टच करके वर्डिंग्स होते हैं उसको पढ़ने के लिए, या फिर ई टेक्स्ट में आना चाहिए, या फिर ऑडियो में आना चाहिए, या फिर बड़े प्रिंट, स्पेशली विजुअली इंपेयर्ड है तो लार्ज प्रिंट में मिला है, ताकि अगर दिखने में उन्हें प्रॉब्लम है तो अच्छे से वो पढ़ सके, लार्ज प्रिंट में वगैरह आ जाए। इसलिए मैराकेश ट्रीटी आई हुई है और इंडिया ने इसको एक्सीड किया हुआ है। इनफैक्ट अगर हम लोग इंडिया की बात करिए, चलिए चलते हैं सीधे हम लोग
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम लोग इंडिया का रिश्ता देखते हैं विपो के साथ, क्योंकि केवल यही ट्रीटी नहीं है, इनफैक्ट विपो ने मल्टीपल 2 दर्जन से भी ज़्यादा कन्वेंशन और ट्रीटीज लाए हैं, और मोस्ट ऑफ दीज इंडिया हैज़ रेटिफाइड और एक्सीडेड। चलिए बात करते हैं इंडिया का रिलेशन क्या है विपो के साथ। देखिए ये है वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया का विपो के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ पे आप पहले पढ़ सकते हो विपो के बारे में, विपो के बारे में कुछ डिटेल्स आपको मिलेगी, व्हाट डज विपो डू, जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आप देखो लीगल फ्रेमवर्क्स अंडर विपो, यहाँ पे पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा मैड्रिड प्रोटोकॉल है, वियना अग्रीमेंट है, लोकार्नो अग्रीमेंट है। लोकार्नो अग्रीमेंट काफ़ी कुछ सालों पहले का अग्रीमेंट है, काफ़ी रीसेंट अग्रीमेंट हम लोग कह सकते हैं। तो अगर इस चीज़ पे कोई खबर आ जाए तो उसके ऊपर फोकस आपको ज़रूर करना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्रीटीज़ और सिस्टम्स और कन्वेंशंस विच विपो हैज़ ब्रॉट। और इंडिया की तरफ से देखिए आप, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ सेवरल विपो ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस। और इंडिया ने किन किन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, यहाँ पे एक लिस्ट पड़ी हुई है। बुडापेस्ट ट्रीटी है, लोकार्नो अग्रीमेंट है, बुडापेस्ट ट्रीटी की एसेशन की डेट दी हुई है, मैड्रिड प्रोटोकॉल है, यहाँ पे मैराकेश वीआईपी ट्रीटी, जो मैंने आपको बताया विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए जो ट्रीटी बनी थी जिसके बारे में आपको बता दिया, नैरोबी ट्रीटी, नाइस अग्रीमेंट, पेरिस कन्वेंशन, फोनोग्राम कन्वेंशन, राइट, फोनोग्राम कन्वेंशन कुछ सालों पहले भी खबर में था, वियना अग्रीमेंट, विपो कन्वेंशन, विपो कॉपीराइट ट्रीटी और विपो परफॉर्मेंसेस एंड फोनोग्राम ट्रीटी। 2018 में इंडिया ने इसको एक्सीड किया हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर करंट अफेयर्स में आ जाए, अगर समझ लीजिए किसी इंपॉर्टेंट खबर में अगर लोकार्नो ट्रीटी के बारे में या फिर लोकार्नो अग्रीमेंट के बारे में कोई चीज़ खबर में है, तो उसको नोट कर लीजिएगा जरूर, राइट, बिकॉज दीज थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस डिस्कशन का उद्देश्य ये था, इस वेबसाइट को दिखाने का उद्देश्य आपको ये था कि अलग अलग ट्रीटीज, अलग अलग कन्वेंशन आते हैं। पहले भी मैंने आपके साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, मैंने आपको बताया था ILO की 189 कन्वेंशंस और ट्रीटीज है। इट बिकम्स फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर अस टू नोट 189 कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज, इसलिए हम लोगों ने 8 कोर कन्वेंशंस के बारे में बात की थी। तो वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पब्लिकेशन आते हैं, अलग अलग ट्रीटीज है, अलग अलग कन्वेंशंस हैं। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज के अंत में हम लोग कन्वेंशंस और ट्रीटीज और प्रोटोकॉल्स बात करने वाले, वहां पे ज्यादा से ज्यादा डेटा इंक्लूड करूँ, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिलेशन विद इंडिया, राइट। विपो की कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस आती है। पब्लिकेशंस क्या है, देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विपो की पब्लिकेशन, ऑल्दो बहुत सारी और भी पब्लिकेशन आती है, बट इंपॉर्टेंट वंस आर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट आती है एनुअली, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, ये दोनों कौन रिलीज करता है, इट इज रिलीज बाय विपो। अब यहाँ पे एस्पिरेंट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन हो सकती है, राइट। अगर समझ लीजिए ऑप्शन में मेरे पास विपो भी है और ऑप्शन में WTO भी है, तो कई बार एक्स्ट्रा थिंकिंग की वजह से, सोचने की वजह से आपको लगेगा कि यार WTO काम करता है, यार ट्रिप्स अग्रीमेंट WTO का है तो शायद वो रिलीज करते होंगे। नहीं, आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट इज रिलीज बाय विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर इज ऑल्सो रिलीज बाय विपो, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रिव्यू, ईयरली रिव्यू आता है, ये भी विपो रिलीज करता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज करता है विपो, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ईयरली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है, जब भी आएगा साल में हम लोग जरूर बात करेंगे। लेकिन विपो के साथ इट इज को पब्लिश बाय विपो अलॉन्ग विथ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSEAD। INSEAD भी एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। INSEAD इज वेरी वेल नोन फॉर देयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, राइट। INSEAD फ्रांस में, पेरिस में, सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा विपो की पब्लिकेशन के बारे में। सो दिस इज आर डिस्कशन अबाउट द विपो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WMO। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन WMO, नाम से पता चल रहा है मीटियोरोलॉजिकल, यानी कि क्लाइमेट से, वेदर से ये लोग कनेक्टेड हैं। अब वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 193 मेंबर्स है, यूनाइटेड नेशंस की मेंबर्स यहाँ पे भी मेंबर है। अब क्या ये 1945 में साथ में ही आया था, नहीं, आपको ध्यान रखना है ये 1950 में आया था। इनफैक्ट मैं कहूँगा 1951 में ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी। 1950 में WMO कन्वेंशन हुआ जिसके तहत वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। अब क्योंकि ये 5 साल बाद आया, संयुक्त राष्ट्र तो 1945 में आया, ये 5 साल बाद आया, इसके मतलब इससे पहले कुछ और था। इससे पहले इंटरनेशनल मीटियोरोलॉजिकल कांग्रेस कंप्लीट हुआ था 1873 में, और इसी के अंडर मीटियोरोलॉजिकल जो भी चीज़ें हुआ करती थी वो इसके अंडर ही हुआ करती थी।
WMO का भी हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड। प्लीज याद रखिएगा WMO कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और IMO एक है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज रिमेंबर WMO IMO में कंफ्यूज नहीं होना है। WMO मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड, लेकिन IMO का हेडक्वार्टर कहीं और है, इट इज इन लंडन। हम लोग थोड़ी देर में IMO के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो WMO स्पेशलाइज एजेंसी जिसका काम क्या है, इट इज कनेक्टेड टू मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी मतलब वेदर एनालिसिस करना है, हाइड्रोलॉजी, आपको ओशन का डेटा देना है, जियोफिजिकल साइंसेस के बारे में आपको डेटा देना है, और इसकी जो सुप्रीम बॉडी है इट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस होती है जहाँ पे 193 मेंबर स्टेट्स और दूसरे जो भी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है WMO के साथ, वो मिलते हैं और मेट्रोलॉजी बेस्ड पॉलिसी बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 193 मेंबर्स है, 183 मेंबर स्टेट्स, 6 मेंबर टेरिटरीज, तो 6 रीजन्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। रीजन 1 अफ्रीका रीजन, रीजन 2 एशिया, रीजन 3 साउथ अमेरिका, रीजन 4 नॉर्थ अमेरिका एंड करीबियन, साउथ वेस्ट पैसिफिक और यूरोप। तो 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है और हर एक रीजन में इनके टेक्निकल कमीशंस, अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग रीजनल ऑफिसर्स वर्क करते हैं और इन सभी को कोऑर्डिनेट करता है WMO जिसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड। अब ये काम क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आपको, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दे वर्क टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट, कोई वार्निंग है कहीं पे सुनामी आने वाली है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कहीं पे डिजास्टर आएगा, टाइफून आएगा, हरिकेन आएगा, ये लोग वर्क करते हैं। वेदर, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी, वाटर बेस्ड अगर कोई डिजास्टर आने वाला है या फिर वाटर बेस्ड कोई फोरकास्ट है तो दे देंगे। WMO नॉट जस्ट मॉनिटर्स वेदर एंड क्लाइमेट बट इट ऑल्सो मॉनिटर्स अदर फिनोमेना रिलेटेड टू एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है, कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, उस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या वेदर में बदलाव आएगा, क्या कोई अलग चीज़ होगी। इसके अलावा रिसर्च करते हैं, मेट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च करते हैं। ओजोन लेयर में अगर कोई डिप्लीशन हो रही है उसके बारे में ये मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इसके अलावा वेदर और क्लाइमेट की स्टडी के लिए आपको कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन करना होता है, तो इनके पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का डेटा है। कई सारे देशों के साथ इनका कोलैबोरेशन है, नासा के साथ ये कोलैबोरेट करते हैं। डेटा मॉडलिंग से ये लोग फोरकास्ट करते हैं कि इस एरिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो दे कोऑर्डिनेट विद द अदर रीजनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और WMO दे ऑल्सो वर्क वेरी क्लोजली फॉर फोरकास्टिंग वेदर एंड स्टडिंग दी क्लाइमेट बेस्ड फिनोमेना, राइट। तो इसके प्रति ये काम करते हैं WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब इनकी कौन सी पब्लिकेशन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, आपको ये ध्यान रखना है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट आता है। तो यहाँ पे आपको कभी कभार कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे मैं एक सवाल बना दूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीजेस स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट। अगर WMO के साथ मैं आपको एक ऑप्शन दे दूँ UNFCCC का या फिर समझ लीजिए IPCC का, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर हो सकता है, बट रिमेंबर स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिलीज बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाइड्रोमेट गैप रिपोर्ट, ये भी एक रिपोर्ट है जो रिलीज करती है WMO। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जैसे UNFCCC, IPCC, तो इसको कन्फ्यूज नहीं करना है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन, डू रिमेंबर दिस, राइट। चल आगे चलते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटा संदेश है। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, 2 फाउंडेशन बैच हमारे लॉन्च हो चुके हैं। पहला इवनिंग बैच हाल ही में 20 जुलाई को एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं फॉर द मॉर्निंग बैच, लेकिन अगर आपने वो बस मिस कर दिए देन यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी, और आपके पास केवल अपॉर्चुनिटी है 1 अगस्त तक। 1 अगस्त पे नया बैच शुरू हो रहा है, लाइव क्लासेस होंगी 6 PM एवरी डे, 6 PM पहला शुरू होगा आपका क्लासेस हिस्ट्री के साथ। पहला जो बैच शुरू होगा ये हिस्ट्री के क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आप जानते हैं कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है इवनिंग का, या फिर फाउंडेशन बैच इन जनरल, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर UPSC सिविल सर्विसेज नीड्स। कई सारी फीचर्स है इसमें। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आपको दे, ये क्वालिटी आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिलेगा जहां पे आपकी प्रीलिम्स की और मेंस की प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी। हर एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद MCQ सॉल्व करा दिए जाएंगे,
हर एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाएगी। एक इसका यूएसपी है मेंटरशिप प्रोग्राम, आपके लिए एक डेडिकेटेड मेंटर दिया जाएगा। मेंटर से आप डाउट्स पूछ सकते हैं, एकेडमिक डाउट हो, नॉन एकेडमिक डाउट हो, जो भी हो, दे विल बी थ्रू योर जर्नी कंटिन्यूअसली, आपको कंटिन्यूअसली गाइड करते रहेंगे, आपको दिशा देते रहेंगे। इसके अलावा ज्ञानवाणी सेशन होते हैं, ज्ञानवाणी सेशंस में आप यू कैन इंटरेक्ट विद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। ऑलरेडी जो इवनिंग बैच था पहले वाला, उनकी इंटरेक्शन हो चुकी है अनिल स्वरूप सर के साथ, जो ऑलरेडी सर्विस में है वो ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे। हमारा ग्रुप सेशन बना हुआ है स्टडी आईक्यू का, जो ग्रुप मेंटर्स है वो भी आपके साथ कंटिन्यूसली रहेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इसके अलावा इस प्रोग्राम में आपको कोई ज़रूरत नहीं कि प्रीलिम्स की आप टेस्ट सीरीज खरीदें, इसी में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। और इस पूरे कोर्स का प्राइस होगा 19,499 ओनली, ऑल्दो कंपनी का प्राइस 25,000 के आसपास है, लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, RAHUL लाइव विदाउट एनी स्पेसेस, कोई भी स्पेस इस्तेमाल नहीं करना है, राहुल लाइव यूज़ करना है आपको, यू विल गेट दिस एंटायर कोर्स फॉर 19,499 ओनली। रिमेंबर केवल 1 अगस्त तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने मिस आउट कर दिया है तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल कीजिएगा। राइट, लेट्स गो बैक एंड टॉक अबाउट इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक संयुक्त राष्ट्र की स्पेशलाइज एजेंसी है, नाम से ही पता चल रहा है मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इट हैज समथिंग टू डू विद वाटर और समथिंग टू डू विद द ओशंस। राइट, हम जानते हैं कि एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री कुछ कोई चीज़ भेजनी है तो सबसे मैं कहूँगा कॉस्ट इफेक्टिव जो मीन्स है वो है आपका मैरिटाइम रूट ओनली, यानी सी रूट से आपकी सबसे ज़्यादा शिपिंग होती है, आपका कार्गो शिप से ही निकलता है। राइट, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके लिए फ्रेमवर्क बनाने के लिए, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री की सेफ्टी मेंटेन रखने के लिए, और साथ ही साथ शिपिंग रिलेटेड डिजास्टर्स ना हो, अगर डिजास्टर हो उससे एनवायरमेंट को कैसे बचाए, इसके प्रति भी इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो इनका मैंडेट क्या है, टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू शिपिंग, यानी कि शिपिंग की सिक्योरिटी, शिपिंग की इंश्योरेंस से ये लोग काम करते हैं, शिपिंग की वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ना हो इसके लिए काम करते हैं, यानी कि जब भी ये बॉडी मिलेगी, ये ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जहाँ पे कई सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व है, 175 मेंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं रिगार्डिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर शिपिंग, रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रॉम शिपिंग। तो ये इनका मेन रोल है। राइट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स ये लोग बनाते हैं जिससे कि सभी देश साथ में आए और उनकी शिपिंग इंडस्ट्री में ये बेसिक बदलाव लाए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अब शिप्स में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उससे समझ लीजिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा निकल रहे, तो ये लोग एक रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे कि एक अलग तरह का फ्यूल इस्तेमाल किया जाए, या फिर हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर सकते हैं, तो उस तरह की कुछ प्रोविजंस ये लोग शिपिंग इंडस्ट्री में ला सकते हैं। ये बॉडी कब आई थी, 1948 में आई, 1945 में यूनाइटेड नेशंस आया, 1948 में जिनेवा कन्वेंशन से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसका पहला नाम था इंटर गवर्नमेंटल मैरिटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये बना IMCO, IMCO इज हेडक्वार्टर्ड एट लंडन, इवेंचुअली 1982 में इसका नाम बदला गया फ्रॉम IMCO टू IMO, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 175 मेंबर स्टेट्स है, रिमेंबर 175 मेंबर स्टेट्स है, 3 एसोसिएट मेंबर्स भी है इसके, और इसका हेडक्वार्टर्स आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, इसका हेडक्वार्टर्स आता है लंडन यूनाइटेड किंगडम, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन WMO एंड IMO, दोनों के बीच कन्फ्यूजन थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैरिटाइम से ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 18th 19th सेंचुरी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी किसकी थी, यूके की थी, तो उससे याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके। जैसे कि मैंने आपको बताया ये काम करते हैं फॉर ब्रिंगिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सेफ शिपिंग, फॉर सस्टेनेबल शिपिंग, फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। शिपिंग की वजह से अगर कोई एनवायरमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दूसरी हो गई आपकी शिपिंग की वजह से, समझ लीजिए ऑयल का कंटेनर लेके जा रहे हैं और उस शिप से ऑयल स्पिल हो गया, तो वो तो यार मरीन पोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, वो जो फिशेस हैं उनकी लाइफ के ऊपर एक थ्रेट हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही IMO काम करता है, शिपिंग इंश्योरेंस के लिए भी ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अभी तक ये लोग अलग अलग कन्वेंशंस, अलग अलग प्रोटोकॉल्स लेकर आए, 50 से भी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स ये अभी तक लेकर आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है
कि आईएमओ का काम क्या है. इज आईएमओ लाइक ग्लोबल पुलिस? नहीं, ये कोई ग्लोबल पुलिस नहीं, जैसे कि ग्लोबल मैरिटाइम पुलिस नहीं है. आईएमओ इज एन एडवाइजरी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, कंसल्टेटिव एडवाइजरी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है. जो भी देश इसके मेंबर्स साथ में आएंगे, जो भी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स आएंगे, अलग अलग देश अपनी मर्जी से कन्वेंशन को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी मर्जी से कन्वेंशन या प्रोटोकॉल को रेटिफाई करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे. जैसे कि फॉर इंस्टेंस, कुछ सालों पहले आईएमओ का रूल एंड रेगुलेशन आया था कि शिपिंग में जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसमें सल्फर की मात्रा कम होनी चाहिए. तो उसके लिए शिपिंग इंडस्ट्री का खर्चा बढ़ेगा कि अलग तरह का फ्यूल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट, जिसमें सल्फर ना हो. तो जिसको चाहिए वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यानी कि जो कंट्री चाहिए, जो कंट्री को रेटिफाई करना है वो करते हैं. ध्यान रखना है, अगर कोई कंट्री है जो इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो क्या आईएमओ उसको एनफोर्स कर सकती? नहीं. इट इज अ कंसल्टेटिव रिकमेंडेटरी एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आप अपनी मर्जी से ये करो क्योंकि ये पूरी विश्व के हित में है. प्लीज रिमेंबर दिस, इसके ऊपर सवाल बन सकता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन. इनका काम क्या है? इनका काम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री. क्या इनका काम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना है? एब्सोल्युटली यस है. कहाँ इनका हेडक्वार्टर है? लंदन, यूके में है. क्या ये पॉलिसीज को एनफोर्स कर सकते हैं? नहीं, ये पॉलिसी को एनफोर्स नहीं कर सकते. ये लोग मिलकर केवल पॉलिसी को बनाते हैं. देयर इज नो एनफोर्सिंग मैकेनिज्म ईदर. इनके पास कोई एनफोर्सिंग मैकेनिज्म भी नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये कैसे काम करते हैं, हाउ डू दे वर्क एग्जैक्टली? आईएमओ का स्ट्रक्चर है, आईएमओ का सेक्रेटरी तो मैंने आपको बता दिया, इट इज इन लंदन, यूके. आईएमओ असेंबली है विच इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो ब्रॉड डायरेक्शन और ब्रॉड गाइडलाइंस क्रिएट करती है ऑफ इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन. दो साल में एक बार मिलती है, यानी कि दे मीट वंस एवरी टू ईयर्स. आपको ध्यान रखना है, दो साल में एक बार मिलेंगे, पॉलिसी डायरेक्शन देंगे, बजट को अडॉप्ट करेंगे एटसेट्रा, लेकिन जो डे टू डे काम रहेगा, जो एग्जीक्यूटिव काम रहेगा, इट इज गिवन टू आईएमओ काउंसिल, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल. अब इस काउंसिल में 40 मेंबर्स होते हैं जो फिर से इलेक्ट होकर आते हैं फ्रॉम असेंबली. दो साल में जब भी ये असेंबली मिलती है तो दो साल के लिए एक काउंसिल बनाती है, फिर उसके बाद 40 मेंबर्स ये बेसिकली असेंबली के सेशन के बीच जो भी काम होता है वर्क करते हैं, बजट को पास करवाते हैं, जो भी बेसिक वर्क होता है. आईएमओ काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये देख लेता है. इसके अलावा जो एक्चुअल काम होता है, जो एक्चुअल टेक्निकल काम है कि यार मैरिटाइम डोमेन में कुछ बदलाव लाना है, कोई टेक्निकल चेंजेस लाने हैं, शिपिंग इंडस्ट्री का फ्यूल में कुछ बदलाव लाना है, शिपिंग इंडस्ट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निकल कमिटीज बनी है. 5 मेन टेक्निकल कमिटीज है, इसके अंडर और भी बहुत सारी सब कमिटीज है, लेकिन 5 ब्रॉडली जो कमिटीज है वो है टेक्निकल कोऑपरेशन कमिटी, मैरिटाइम सेफ्टी की कमिटी है, मैरिटाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमिटी, बहुत ही जरूरी कमिटी है, मैरिटाइम जो पोल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए कमिटी है. इसके अलावा लीगल कमिटी है और फैसिलिटेशन कमिटी है. इन 5 कमिटीज के अंडर और भी दूसरे सब कमिटीज होते हैं, जिससे ये मैरिटाइम डोमेन में सेफ एंड सस्टेनेबल शिपिंग कराने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आते हैं, राइट. अगर हम लोग बात करें इनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की, 1948 से इन्होंने कई सारे कन्वेंशंस लाए हैं, 67 के आसपास इन्होंने कन्वेंशंस लाए हैं, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस लाइक सोलास, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी. इसके अलावा STCW, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स. अगर कोई सी फेयरर है उन्हें ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन देने के लिए भी इन्होंने कन्वेंशन बनाया. मारपोल बहुत ही जरूरी है पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, मैरिटाइम पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए मारपोल है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन, पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स स्पेसिफिकली. इसके अलावा इन्होंने एक सिस्टम भी बनाया है, ग्लोबल मैरिटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम है इनका, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स है. तो अलग अलग कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स ये लोग ले आते हैं जिससे कि मेंबर्स अपनी शिपिंग को सेफ और सस्टेनेबल कर सकते हैं. आईएमओ का मोटो है सेफ सिक्योर एफिशिएंट शिपिंग ऑन क्लीन ओशंस. कभी कभार स्टेट पीएससी में इस तरह के सवाल आते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है. अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया आईएमओ के साथ काफ़ी क्लोजली काम करता है, बहुत सारे कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स को हम लोग एक्सेप्ट भी कर चुके हैं. चलिए चलते हैं डायरेक्टली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर हम लोग समझेंगे इंडिया का रिश्ता क्या है आईएमओ के साथ.
देखिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की वेबसाइट, आप यहाँ पे देख सकते हो इनका इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन काफी सारा चलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है IMO ही। आप देखिए इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ IMO इन 1959। IMO क्या है? एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड सेट करता है, इट इज अ स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी फॉर शिपिंग सेफ्टी एंड सस्टेनेबल शिपिंग, राइट। इसके तहत अलग अलग ट्रीटीज, अलग अलग प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं। अभी तक 67 ट्रीटीज लेकर आया है IMO, जिसमें भारत पार्टी है 33 कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स का। इनफैक्ट इन्हीं प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस के बेसिस पर ही हमारा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 सेट है। आप यहाँ पे देख सकते हो करंटली देर आर 3 IMO कन्वेंशंस, नेमली इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज। मैंने आपको बताया था कि शिपिंग से ही आप ऑयल ट्रांसफर करोगे, अगर वहां पे कोई डिजास्टर हो जाएगा, ऑयल स्पिल हो जाएगा, तो उससे सिविल लायबिलिटी क्या होगी। इसके अलावा शिप बलास्ट एंड वाटर सेंटिमेंट्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर बलास्ट, बलास्ट वाटर शिप से निकलता है, जो नॉर्मल जो ओशन वाटर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदलता है, जिससे कि मरीन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, उसको कैसे कंट्रोल करें मैनेज करने के लिए, इसके लिए प्रोटोकॉल है या फिर कन्वेंशन है। हांगकांग कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, इसका भी इंडिया भाग है। इसके अलावा भी इंडिया 30 दूसरे कन्वेंशंस और ट्रीटीज का भाग है, राइट। तो IMO के साथ हम लोग काफी क्लोजली काम करते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट इंडियाज रिलेशन विद इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम लोग रीसेंट करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बात करें, IMO काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि IMO की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करने के लिए एक रेजोल्यूशन दिया गया है। मैंने आपको बताया था IMO की जो काउंसिल है उसमें 40 मेंबर्स है, अभी उसको एक्सपैंड करने की बातें चल रही है। और एक्सपेंशन के लिए कोई भी डिसीजन जब होता है जनरल असेंबली डिसीजन लेनी पड़ती है। जनरल असेंबली में 175 लोग हैं, 175 में से अगर 117 लोग कहेंगे कि एक्सपेंशन हो तो होगा। तो अभी अलग अलग कंट्रीज इसका समर्थन कर रही है। हाल ही में नॉर्वे और होंडुरस ने सपोर्ट किया है कि IMO की काउंसिल एक्सपैंड होनी चाहिए। अभी फिलहाल वहाँ पे 40 मेंबर्स है, और भी ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए, कुछ इस तरह की डेवलपमेंट चल रही है। जब भी ये होगी तो हम लोग स्टडी IQ पे सेपरेटली चर्चा ज़रूर करेंगे, राइट। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं UPU के बारे में। ये एक बहुत ही ऑब्स्क्योर बॉडी है, कई बार एस्पिरेंट्स इसको मिस कर जाते हैं, राइट। अगर करंट अफेयर्स में से जुड़ी हुई कोई भी खबर आ जाए, इनफैक्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन लोग डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे अगर करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई कोई भी खबर आ जाए उसको नोट कर लीजिएगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा रिकैप कर लीजिएगा, तो आपकी प्रिपरेशन होलसम हो जाएगी। क्योंकि करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कई सारे सवाल आते हैं, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पिछले 2 सालों की जो भी न्यूज़ है उसके ऊपर फोकस करिए, उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि UPSC इज़ क्वाइट अनप्रडिक्टेबल, इट इज़ अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। कई बार साल 2 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी कभी कभार सवाल आ जाते हैं। तो UPU के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी ऑब्सोलीट सी बॉडी है, क्यों? क्योंकि पोस्टल, जैसे ही आपको नाम पोस्टल याद आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों इट इज़ मूविंग इनटू ऑब्लिवियन। आजकल कोई किसी को लेटर लिखता नहीं है, राइट, पोस्ट जाते नहीं, लेकिन पोस्ट इज स्टिल यूज्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ पार्सलिंग, यानी कि जो हम लोग प्राइवेट कुरियर्स इस्तेमाल करते हैं उसी के लिए समझ लीजिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बना हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इनफैक्ट ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, काफ़ी पहले सेटअप की गई थी 1874 में। इसका हेडक्वार्टर्स है बर्न में, राइट, बर्न। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल सिटी क्या जेनीवा है, इसमें आपको आंसर मिल चुका है स्विस कैपिटल बर्न। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल सिटी है बर्न, नॉट जेनीवा, प्लीज रिमेंबर दिस। इंडिया जॉइंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन 1876 इटसेल्फ। आज इस UPU में 192 मेंबर कंट्रीज है, और इनका प्राइमरी काम क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है पोस्टल यूनियन है, यानी कि पोस्ट के पर्स्पेक्टिव से सभी देशों में एक कोलैबोरेशन लिया है। साथ ही साथ पोस्ट को कैसे हम लोग प्रमोट करें, नए नए प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं, नए नए सर्विसेज कैसे बनाएं थ्रू पोस्ट, इसके ऊपर भी काम करता है। इसके अलावा जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इंटरनेशनल लेवल पे जो पोस्टल एक्सचेंज होता है, समझ लीजिए मेरे को एक लेटर लिखना है यहाँ से मुझे US भेजना है, तो ये कैसे जाए? अब इंडियन पोस्ट तो कनेक्टेड होना ही चाहिए UPU से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिले हुए इनके साथ, तो हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो UPU के थ्रू हम लोग दूसरे कंट्री को भेज सकते। तो इंटरनेशनल मेल एक्सचेंजेस हो,
इंटरनेशनल मेल हो, पार्सल हो या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हो, उसमें भी काफी आजकल काम चल रहा है यूपीयू का। जैसे कि मैंने आपको बताया रोल ऑफ यूपीयू क्या होगा, टू रेगुलेट द पोस्टल एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। पोस्टल एक्सचेंज कैसे चलेगा, इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज के रूल्स, इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज के फिक्स रेट फिक्स कैसे करना है, और मेल को पोस्ट को कैसे हम लोग प्रमोट करें, कैसे नए नए सर्विसेज को लिया। अगर आप यूपीयू के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक आपको टैब ही मिलेगा जहाँ पे दे टॉक अबाउट देयर न्यूअर सर्विसेज, नई सर्विसेज के बारे में वो बात करते हैं, कैसे नई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे नए मेल सर्विसेज, नए पार्सल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके प्रति काम करता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब काम करने के लिए इनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, इनकी गवर्निंग बॉडीज होनी चाहिए। यूपीयू में चार गवर्निंग बॉडीज हैं, एक है यूपीयू कांग्रेस, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस, चार साल में एक बार ये मिलते हैं। ये सुप्रीम अथॉरिटी है जो यूपीयू को एक दिशा देते हैं। यूपीयू की ब्रॉड बेस्ड पॉलिसीज, ब्रॉड डायरेक्शन आर डिसाइडेड बाय यूपीयू कांग्रेस। इसके अलावा यूपीयू का काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये समझ लीजिए उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो बेसिकली रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव लीगल इश्यूज को ये लोग देखते हैं। इसके अलावा देयर इज पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल, जहां पे 48 कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं, पोस्टल ऑपरेशंस जो भी टेक्निकल डिफिकल्टीज, टेक्निकल इश्यूज आते हैं उसको हैंडल करते हैं। इसके अलावा देयर इज अ इंटरनेशनल ब्यूरो, जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल ब्यूरो ही है जो मदद करता है, लॉजिस्टिकल और टेक्निकल सपोर्ट करता है यूपीयू बॉडीज को। मैंने आपको बताया मुझे एक पोस्ट भेजना है, एक पत्र भेजना है, मुझे राहुल ने एक पत्र लिखा है मिस्टर एक्स को यूएसए में। अब वो लेटर कहाँ से जाएगा, इंडिया पोस्ट में भेज दूंगा, इंडिया पोस्ट से वो जाएगा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ यूपीयू, वहाँ से इट गोज टू द यूएस पोस्ट एंड इट रीचेस, राइट। सो इट वर्क्स लाइक दिस, बेसिकली इट इज लाइक द इंटरमीडियरी फॉर इंटरनेशनल पोस्टल एक्सचेंजेस, राइट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो मैंने आपको बताया, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर चार साल में ये मिलती है, तो चार साल के लिए काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर बनते हैं। और इंडिया पिछले साल अगस्त में इंडिया हैज बिकम द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख सकते हो अगस्त 2021 की खबर है, इंडिया इलेक्टेड टू काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट 27th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस। कांग्रेस हर चार साल में जब होती है, अगली बार 2025 में होगी, एबिजान में हुआ। तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो एबिजान है ये किस कंट्री में आता है या फिर किस कंट्री की कैपिटल सिटी है। डिस्कशन के दौरान मैं कई बार सवाल पूछता हूँ ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स है थोड़ा सा इंट्रीग हो जाए, और जो मैप बेस्ड चीज़ें होती हैं या फिर जो ज्योग्राफी बेस्ड कंट्रीज या फिर कैपिटल्स होती हैं उसके बारे में हम प्रिपरेशन साथ में करें। थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पे है, तो जैसे आप रिसर्च करोगे वो आपके दिमाग में रह जाता है, राइट। सो इसीलिए कुछ इस तरह के सवाल मैं पूछता हूँ ताकि आप उसको ढूंढें और कमेंट करें। डू फाइंड इट एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। सो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दिस वाज अबाउट द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, इन द नेक्स्ट डिस्कशन विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल बॉडीज, राइट। अगर आपको डिस्कशन पसंद आए यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, then you can always message me on Instagram, directly message कीजिएगा, I do reply on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this, till we meet next time, stay safe and stay on course, prepare very well. Jai Hind. Hello, my name is Subiksha and I am student of Study IQ's Life Foundation batch for UPSC Civil Services. I want to express deep gratitude to the whole team of Study IQ because the course is very amazing. The live classes are very good and interactive. The best part of this course is one-to-one mentorship and Gyanwani session, because such feature will help the students to stay motivated throughout this long and tough journey. The mentors are very helpful and the current affairs program is also very nice. So I would strongly recommend the new aspirants to enroll themselves for this new course. Thank you so much. Study IQ IAS. Ab tayari hui affordable.